हेलो बच्चों, दिस इज संदीप सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है न्यू सिलेबस फॉर सब्जेक्ट केमिस्ट्री फॉर एकेडमिक ईयर 2021 एंड देन वन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री वन आई विल गोइंग टू स्टार्ट। बराबर है? देखो बच्चों, देर आर टोटल 17 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, जिसमें कि पहले 7 चैप्टर्स आएंगे केमिस्ट्री पार्ट वन में एंड देन नेक्स्ट 9 चैप्टर्स विल बी देयर इन केमिस्ट्री पार्ट टू। बराबर है? एज यू ऑल नो, आई विल टेक केयर ऑफ योर केमिस्ट्री पार्ट वन। सो मैं यहाँ पे पहले 7 चैप्टर्स जो कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पार्ट वन में है वो डिस्क्राइब करूँगा एंड देन वन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम पेपर वन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। बराबर है? यू कैन सी ओवर हियर द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। फर्स्ट वन सॉलिड स्टेट, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड आयोनिक इक्विलिब्रिया, फोर्थ केमिकल थर्मोडायनेमिक, फिफ्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिक्स वन इज केमिकल काइनेटिक, सेवन्थ वन इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ये 7 चैप्टर्स है केमिस्ट्री पार्ट वन में। वन बाय वन शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। ओके, फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज सॉलिड स्टेट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। बराबर है? उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बाद फिर चले जाएंगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल एग्जैक्टली क्या है, उसके भी टाइप्स क्या है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड ऑफ द चैप्टर विल गोइंग टू सी व्हाट इज डिफेक्ट इन क्रिस्टल। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर। ओके, एंड बैंड थियोरी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर के। नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स के लिए ये चैप्टर रहेगा और न्यूमेरिकल भी आएंगे आपको इस चैप्टर में से। बराबर है? सिर्फ एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है, उसी पे फोकस करना है, यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके, नाउ द सेकंड चैप्टर यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है एक्चुअली। तो वो क्या है मिक्सचर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाएगा सॉल्यूशन के। फिर एक्चुअल डेफिनेशन आएगी सॉल्यूशन की, व्हाट इज सॉल्यूशन इज। बराबर है? उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बट ऑब्वियस टाइप्स के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर में एक न्यू टर्म आपके लिए होगा, दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, उसके कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स आर देयर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके रिलेटेड सारे टाइप्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है वहाँ पे। ओके, सो दैट ऑल्सो विल गोइंग टू सी ओवर देयर। बराबर? एंड एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर, उससे भी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आपको आएगा। सो 4 to 5 फॉर्मूलेज होंगे जिसमें कि न्यूमेरिकल बेस रहेगा और उसके ऊपर अभी हमें फोकस करना है इस चैप्टर में। नाउ द थर्ड चैप्टर इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। नाउ देखो, ये चैप्टर टोटली न्यू है इस सिलेबस में। ओके, एक चैप्टर था जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट, वो निकाल के यहाँ पे ये चैप्टर ऐड कर दिया है आयोनिक इक्विलिब्रियम। नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स के लिए रहेगा ये चैप्टर। बराबर? 11th स्टैंडर्ड में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रिया। बराबर? उसी का एक्सटेंशन पार्ट है ये आयोनिक इक्विलिब्रिया, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन आयोनिक कंडीशन, यानी आयोनिक कंपाउंड्स के इक्विलिब्रियम कंडीशन। आयोनिक कंपाउंड यानी क्या, द कंपाउंड विच कंटेनिंग द आयोनिक बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल NaCl। बराबर? नाउ हियर वो हो गया, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे ऑन द बेसिक पार्ट, दैट इज एसिड एंड बेस। हमने एसिड एंड बेस बहुत बार सुना होगा लोअर क्लास में, और जनरली हमने पढ़ा है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। बराबर है? बट वी हैवन स्टडीड एनी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, हैवन लर्न द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस बेस्ड ऑन डिफरेंट थियोरीज, जहाँ पे 3 थियोरीज मिलेगी। वन इज Arrhenius थ्योरी, सेकंड वन इज ब्रॉन्स्टेडलरी थ्योरी, थर्ड वन इज लुईस थ्योरी। बराबर है? उसके बाद एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। बराबर है? सो हाउ इट द सॉल्ट इज फॉर्म, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, उनका pH एंड देन pOH, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएंगे, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट एंड वन इज बफर सॉल्यूशन। सो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर में। नाउ फोर्थ चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक और केमिकल थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक इज ऑल टुगेदर न्यू फॉर यू एक्चुअली, जहाँ पे 11th स्टैंडर्ड से कुछ है। सो थर्मोडायनेमिक क्या है एग्जैक्टली, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक, वन इज सिस्टम, अदर वन इज सराउंडिंग। तो ये क्या है सिस्टम, क्या है सराउंडिंग, देन टाइप्स ऑफ सिस्टम इज देयर, तो वो भी हम लोग लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। बराबर है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क शायद आपने फिजिक्स में सुना होगा, मे बी 11th में पढ़ा होगा आपने। ओके, केमिस्ट्री में वर्क एग्जैक्टली क्या है, उससे रिलेटेड डेरिवेशंस क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या है वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन एंथैल्पी, ये भी वर्ड शायद सुना होगा 11th स्टैंडर्ड में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी यानी एनर्जी। बराबर है? सो एग्जैक्टली
क्या है एंथैल्पी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, बराबर है। उसके बाद फिर एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सारे रिलेटेड टर्म्स है थर्मोडायनेमिक के, तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिफ्थ चैप्टर अगेन अ ईजी चैप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द रेडॉक्स रिएक्शन एंड यू ऑल नो रेडॉक्स रिएक्शन इज अ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, करेक्ट। सो वो हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें एक्चुअल में पढ़ना है द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट सेल्स, जैसे कि आपने ड्राई सेल बचपन में वो जो सेल हम लोग रिमोट में यूज़ करते या फिर टॉयज में यूज़ करते दैट इज़ कॉल्ड ड्राई सेल, बराबर। सो वो सेल एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज़ द रिडक्शन रिएक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे। आपने वो सेल बचपन फोड़ा भी होगा शायद, जिसमें ब्लैक रॉड रहता है इन द सेंटर एंड देन दैट होल रॉड इज सराउंडेड बाय द ब्लैक पाउडर। सो एग्जैक्टली वो ब्लैक पाउडर क्या है, व्हाट इज़ दैट ब्लैक रॉड, ये वो एनोड है या कैथोड है, ओके, दैट ऑल्सो विल गोइंग टू स्टडी ओवर देयर। देन विल गोइंग टू स्टडी द वर्किंग ऑफ अ लेड एक्यूमुलेटर सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल यानी द बैटरी और द सेल विच यूज्ड इन इन्वर्टर और मोटर और या फिर कार में जो बैटरी होती है वो कैसे वर्क करती है ड्यूरिंग चार्जिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ओके, वो भी हम लोग लर्न करने वाले हैं। द सेल यूज्ड इन स्पेसशिप जनरली H2O2 सेल, उसकी भी वर्किंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। इवन द रिस्ट वॉच में जो सेल होता है उसकी भी वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे, एनोड कैथोड रिएक्शन क्या है उसमें, एवरीथिंग्स विल गोइंग टू सी। यहाँ पे जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रॉन पास करने के लिए यूज़ होता है जनरल इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, या फिर इन एनोड कैथोड रिएक्शन, तो वो क्या है इलेक्ट्रोड एंड देन उनके टाइप्स कितने हैं, जैसे कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ओके, सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में भी प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, सो व्हाट आर दोज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने हैं। एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड की स्टडी हम लोग करने वाले हैं ओवर हियर, अंडरस्टूड। सो दिस is all about the electrochemistry chapter. The next chapter is a chemical kinetics. Now chemical kinetics में हम लोग पढ़ेंगे rate of reaction. Maybe term आपने सुना होगा 11th standard में rate of reaction. Okay? यानी क्या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। सो केमिकल काइनेटिक्स यानी क्या, इट इज़ अ ब्रांच एक्चुअली ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओनली। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फिर उससे रिलेटेड टर्म जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर रेट लॉ भी इसमें आएगा, रेट लॉ हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये अब यहाँ पे भी वापस हमें रेट लॉ पढ़ना है। सो रेट लॉ अगेन वी हैव टू सी ओवर हियर इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, और रेट लॉ से रिलेटेड फिर एक्सटेंशन पार्ट आएगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उससे रिलेटेड फिर डेरिवेशन आएंगे, चार डेरिवेशन होंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक और टर्म है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि ईजी टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलैरिटी, या फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलैरिटी, तो वो एग्जैक्टली क्या है दैट ऑल्सो विल गोइंग टू सी ओवर देयर, बराबर है। एंड फाइनली एक थियोरी आएगी दैट इज कॉल्ड कोलिजन थियोरी, उससे भी वो भी हम लोग पढ़ेंगे इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ओके। एंड द लास्ट चैप्टर इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 and 18, यानी क्या हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट, बराबर। क्योंकि देखो पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, टोटल 6 ग्रुप्स आर देयर, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ग्रुप 13, 14, 15 की स्टडी हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में की है, हियर 16, 17 and 18 ग्रुप वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर ओनली इन 12th स्टैंडर्ड, बराबर। जहाँ पे 16th, 17th एज वेल एज द 18 ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे द एलिमेंट, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, देन द कंपाउंड्स रिलेटेड टू देयर एलिमेंट्स, यूजेज ऑफ दोज एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो जैसे कि पहले 1 to 7 चैप्टर्स में ओनली 7 चैप्टर इज बेसिकली थियोरेटिकल, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर में थियोरी पार्ट अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल थियोरी एंड न्यूमेरिकल, ये सारा पॉइंट है। और बोर्ड एग्जाम में आपको पार्ट वन में नियर अबाउट 7 to 8 मार्क के न्यूमेरिकल्स, मोस्ट ऑफ टाइम 9 मार्क के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, बराबर है। सो 9 मार्क के न्यूमेरिकल के ऊपर हमें फोकस करना है, जो कि फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, अंडरस्टूड। सो दिस इज ओवरऑल द स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेबस ऑफ पार्ट वन, ओके। नाउ एज आई सेड अर्लियर आई विल स्टार्ट वन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम पेपर वन, सो मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप इन डिटेल जाएंगे व्हाट इज सोल्यूशन, एंड देन आफ्टर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ रुक करेंगे, ओके। चलो सोल्यूशन से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्चुअल टॉपिक से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेता हूँ मैं। सोल्यूशन
का इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज मिक्सचर, बराबर है। मिक्सचर्स 11th स्टैंडर्ड में हम चुक पढ़ चुके हैं। मिक्सचर्स यानी क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, मिक्सचर इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, बराबर है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स कर लो, यू विल बी गेटिंग द मिक्सचर्स। अब एग्जाम्पल्स क्या हो गया, एयर इज अ मिक्सचर, रॉक इज ऑल्सो अ मिक्सचर। एयर कैसे मिक्सचर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एयर नॉन रिएक्टिंग गैस होता है, एयर में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंटी डिफरेंट गैसेस, अदर गैसेस ऑल्सो, सो ये सारे गैस एक साथ रहेंगे, सो इट इज सॉट टू बी द मिक्सचर। रॉक इज एक्चुअली फॉर्म्स बाय द बाई मिक्सिंग द नंबर ऑफ मिनरल्स विच इज प्रेजेंट इन द नेचर ओनली। मिनरल्स यानी द नेचुरली गेटिंग एलिमेंट्स, दोज आर नोन एज मिनरल्स, सो वो सारे एक साथ आ जाएंगे और वो रॉक पार्टिकल्स बनेगा। अंडरस्टूड? सो रॉक, एयर आर द मिक्सचर्स। हम लोग सैंड और वाटर मिला दो, वो भी मिक्सचर्स हो गया, सैंड और सॉल्ट मिला दो, वो भी मिक्सचर हो गया। तो ये सारे सिंपल एग्जाम्पल्स है मिक्सचर्स के, बराबर। नाउ देर आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेटरोजीनियस मिक्सचर। ये दो नाम आपने को याद आया होगा, केमिस्ट्री के 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर। अगेन विल रिकॉल द थिंग्स, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर्स। सो द फर्स्ट वन होमोजीनियस मिक्सचर, देखो क्या है होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इन विच द कंस्टेंट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स। ओके, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स हो जाएंगे यूनिफॉर्मली, दैट इज नोन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे वर्ड या फिर मीनिंग समझनी पड़ेगी अगेन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिक्स करने के बाद फिर सिर्फ एक ही, वो ओवरऑल मिक्सचर इज अपियर इन अ सिंगल स्टेट, आइदर इन अ लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और इन अ गैसियस स्टेट। उस टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स कहेंगे या फिर यूनिफॉर्म मिक्सिंग कहेंगे। एग्जांपल यहाँ पे दिया है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में देखो दो कंस्टेंट पार्टिकल्स रहेंगे, वन इज सॉल्ट एंड अदर वन इज अ वाटर। और अब सॉल्ट है सॉलिड, वाटर है लिक्विड, सॉलिड मिक्स कर दो इन लिक्विड वाटर, स्टर कर लो थोड़े टाइम के लिए, क्या हो जाएगा, एट द एंड यू विल बी गेटिंग ओनली अ लिक्विड सॉल्यूशन, बराबर है। दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, बराबर। सेम वे शुगर सॉल्यूशन भी वही वैसे ही फॉर्म होगा, इवन डाइल्यूट एचसीएल सॉल्यूशन भी वैसे ही फॉर्म होगा। ओके, सो हियर दिस आर द होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, डाइल्यूट एचसीएल सॉल्यूशन, जो भी आपके लैब में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम होमोजीनियस मिक्सचर्स ही आप यूज़, वो एग्जांपल्स एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर्स के। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स इन विच द कंस्टेंट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स। एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एंड डायलूट एचसीएल सोल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज हेटरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटरोजीनियस मिक्सचर्स क्या है, इन हेटरोजीनियस मिक्सचर द कंस्टेंट पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स। ओके, कंस्टेंट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, यानी क्या हो जाएंगे कि आपको लेयर्स शायद मिल जाएंगे, दोनों दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिक्स कर ले हम लोग और थोड़ी देर के बाद यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द लेयर्स, दैट इज कॉल्ड not the uniform mixing, बराबर। example देखो mix a mixture of sand and water, sand ले लो, रेत और उसमें water डाल दो, mix कर लो properly, initially लगेगा शायद ये mix हो गया है, okay, but if you keep that whole things जिसमें भी आपने लिया होगा, टेस्ट ट्यूब में लिया होगा या फिर बीकर में लिया होगा सैंड एंड वाटर, सो प्रॉपरली स्टर कर लो, उसके बाद उसको असाइड कर लो फॉर से फ्यू टाइम्स, फॉर से 5 to 10 minutes, आपको आसानी से दिख जाएगा द टू लेयर्स ओवर देयर, वॉट एवर द पार्टिकल्स ऑफ सैंड्स आर, यू नो दे आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट वेसल, आइदर ऑफ टेस्ट ट्यूब और बीकर, एंड द यू कैन सी द अपर पार्ट दैट इज वाटर। तो दो लेयर यहाँ पे मिलेंगे हमें एक मिक्स करने के बाद, वन इज द सॉलिड मटेरियल, अदर वन इज अ लिक्विड मटेरियल, बराबर है। अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, दोनों में लिक्विड भी ले लिया, ओके, तो दो भी हमें वो दो लेयर मिलेंगे, जैसे ऑयल एंड वाटर इनिशियली ले लो टेस्ट ट्यूब में और मिक्स प्रॉपरली उसको शेक करो तो शायद लगेगा कि मिक्स हो गया, बट उसी टेस्ट ट्यूब को साइड में रख देंगे फॉर 5 to 10 minutes, तो दो लेयर आसानी से हमें मिल जाएंगे, द अपर लेयर इज ऑफ ऑयल एंड द लोअर लेयर इज ऑफ वाटर, बराबर है। सो दो ऐसे लेयर या फिर मिक्सचर्स के सारे, सॉरी द सब्सटेंस के लेयर मिक्सचर्स में दिखेंगे, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर। वन मोर थिंग वी नीड टू नो अबाउट द हेटरोजीनियस मिक्सचर इज, हेटरोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी इजीली सेपरेबल, सिंपल फिजिकल मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन या फिर नॉर्मल सेपरेशन मेथड जिसे मेथड यूज़ करेंगे
टू सेपरेट दी होमोजीनियस मिक्सचर्स, बट दिस काइंड ऑफ अ मेथड दैट इज फिल्ट्रेशन मेथड और सिंपल सेपरेशन मेथड वी कैनॉट यूज इन होमोजीनियस मिक्सचर्स, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर्स आर फॉर्म बाई यूनिफॉर्म मिक्सिंग। सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर लो, एक सोल्यूशन बना लो, फिर आप फिल्टर करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ सॉल्ट ओवर देयर? नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, सॉल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका होगा वाटर में। सो होमोजीनियस मिक्सचर में इजिली सेपरेबल नहीं है, ऑन दी अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर इजिली सेपरेबल बाई सिंपल फिजिकल मेथड। अंडरस्टूड? So this is all about the introduction part of the solution chapter. Thank you.